हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं फाइनल एशिया कप। जो सेमीफाइनल था वो हमारा हांगकांग के साथ था, उसको इंडिया ने विन कर लिया, और फिर फाइनल भी हांगकांग के साथ ही है। तो आज हम देखते हैं कि इंडिया विन करती है या हांगकांग। तो चलते हैं अपने मैच की तरफ। ए सॉरी नो, और को यहाँ बैक करना पड़ेगा, और हम चलते हैं टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट में से इंटरनेशनल। गाइस, मैं आपको मैच पे ही मिलता हूँ। मैच स्टार्ट करता हूँ, वहीं मिलता हूँ आपको। इस बार तो ग्राउंड भी इसको लेते हैं, लंदन को लेते हैं। और प्लेइंग 11 हमारा यही रहेगा, और खास इनका भी यही है, कोई चेंज नहीं करना मुझे। ग्राउंड देखिए गाइस, आप ग्राउंड, मैं सीधा टॉस पे जाता हूँ। ये स्टेडियम मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि फेवरेट ही समझिए, और तो कुछ नहीं, बट इसमें थोड़ा विकेट और जो ग्राफिक है वो बहुत अच्छा है। बैटिंग किया है हमने, फिर से हांगकांग के साथ मैच है। क्या सेमीफाइनल में पहुँचे हैं हम? पता नहीं, देखते हैं। और रोहित शर्मा और राहुल को ही लेते हैं गाइस हम। ये शुक्ला फिर से वही बॉलिंग लेके आए हैं गाइस, देखते हैं इसमें क्या होता है और क्या नहीं। पहली बॉल भेजी है रोहित शर्मा ने, 4 रन। ये सामने स्टेट की बाउंड्री बहुत लंबी है, जो कोने है ना उसके बहुत लंबे हैं, बहुत मुश्किल से सिक्स जाता है वहाँ पे। देखिए फुल शॉट खेला था, फिर भी बाउंड्री नहीं वहाँ पे, मतलब 4 मिला है, 6 नहीं मिला है। देखिए बहुत लंबा सिक्स था, ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री के बाहर ही गिरेगा, और बहुत पीछे गिरा है ये शॉट। चलिए 4 रन आए हैं, रन बनाने काफ़ी हमको। दूसरी बॉल, अरे नहीं, ये बैक साइड खेलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, पहले भी और इस बार भी शुरुआत में अच्छी खेले थे रोहित शर्मा, बट अब नहीं चल पा रहे हैं। विराट कोहली से उम्मीद करते हैं कि कुछ खास रन बनाएं, और राहुल से भी उम्मीद करते हैं कि कुछ खास बनाएं। ये देखिए फिर से डॉट बॉल, ये बाउंड्री थी हमारी बॉल, बट कोई नहीं। बॉल को उठा दिया है और बाउंड्री के बाहर भेजा है केएल राहुल ने। कमाल का फोर था, बॉल ऊपर से निकली है, लास्ट बॉल है। 8 रन आए हैं अभी तक इस ओवर में, और एक विकेट रोहित शर्मा की, बहुत बड़ी विकेट। नहीं, जो शॉट खेलना चाहिए वो नहीं खेल रहे हैं ना हम गाइस। अभी आए हैं एक खान, पिछले मैच में यही 2 विकेट लेके गए थे, रोहित शर्मा की भी यही इन्होंने ही लिया था। ऑफ पूरा खाली पड़ा है, ऑफ में शॉट खेलेंगे हम इस। और ये बाउंड्री के बाहर विराट कोहली, कमाल की बॉल को फेस किया है विराट कोहली ने और बाउंड्री के बाहर भेजा है। ऑफ साइड में बहुत बड़ा सिक्स था ये, अभी ऑफ में भी फील्ड लगा दी है।
ये भी खेल। सामने की तरफ बहुत मुश्किल है सिक्स लगाना, कोशिश करते रहेंगे हम। 12 रन बना चुके हैं अभी तक विराट कोहली। साइड चेंज की है और ये भी बाउंड्री के बाद सिक्स। विराट कोहली का बल्ला चल रहा है। रन बनाए 4 बॉल पे, ये भी कमाल का सिक्स था। लेग में अभी फिर लेग में फील्डर को भेज दिया है हांगकांग टीम ने। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, कैच दे दिया अपना। सूर्य कुमार आए हैं न्यू बल्लेबाज। विकेट पे विकेट गिर रहा है गाइस। राहुल के बल्ले से फिर इस ओवर में 22 रन आए हैं और एक विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त हुआ है ये वाला। अब टोटली स्पिनर आएंगे और एक फास्टर आई थिंक। ये भी कमाल का शॉट था राहुल का। 2 विकेट हो गई हैं गाइस। सूर्य कुमार यादव है स्ट्राइक पे। पावर प्ले खत्म हुआ है। और मेरे को लग रहा है ये भी आउट। 0 पे सूर्य कुमार यादव का तो बल्ला चल ही नहीं रहा है। 0 पे भेजा है ये मोहम्मद ने। अच्छी कैच पकड़ी है। शेष अय्यर आए हैं। 3 विकेट हो गई हैं। 30 रन। रन की सोच रहे थे यहाँ तो विकेट पे विकेट गिर रही हैं। और ये भी 4 ही है, 6 लगा भी नहीं है। ये राहुल के बल्ले से निकला है 4। अरे नहीं, फिर से वही शॉट खेलने चाह रहे थे हम, बट बॉल बहुत नीचे था, विकेट भी हो सकता था। बॉल को भी भेजा है। अरे बहुत अच्छा, ये एक मौका मिला है राहुल को। अच्छी कैच छूटी है ये वाली। वो मुर्तजा बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डर से क्या मिस्टेक हुआ है। कैच को पकड़ने में हाथों से बॉल निकल गया है गाइस। 36 रन हुए हैं अभी। कैच ड्रॉप तो फिर मैच अपने हाथ में है। 40 रन और 18 रन राहुल के बल्ले से आए हैं अभी। कमाल हो गया इस मैच में। विकेट काफ़ी चटका रहे हैं। पिछले मैच में भी हांगकांग ने अच्छी विकेट ली थी। और इस बॉल को भी भेजा है, देखते हैं क्या बाउंड्री है। और बाउंड्री, ये कमाल। 22 रन के राहुल के बल्ले से। 44 रन टोटल हुए हैं इंडिया टीम के। राहुल कमाल खेल रहे हैं। ये देखिए लाजवाब 4 है। हर ओवर में एक एक विकेट गिरा है। श्री सैयर हैं स्ट्राइक पे और 3रा ओवर है। सिंगल की कोशिश करेंगे। सिंगल ले लिया है।
ई खान है बॉलिंग के लिए। और ये बॉल को भेजा है, फील्डर है यहाँ पे, सिंगल लिया है, चलिए कोई बात नहीं, डबल हो सकता था बट कोई नहीं। बाउंड्री के बाहर भेजा है, सामने की बाउंड्री बहुत लंबी है इसकी, फिर भी सुरेश अय्यर ने इस बॉल को भेजा है बाउंड्री के बाहर। इस शॉट को तो मैं देखना चाहूँगा किस तरीके से इस शॉट को खेला है, और कमाल की बाउंड्री है ये, देखिएगा इस 52 रन हो चुके हैं अभी इंडिया टीम के। और फिर से कैच छूटा, मज़ा आया मैच में, दो कैच छूटने के बाद इंडिया बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है, क्योंकि कैच ड्रॉप और मैच लॉस और हांगकांग कमाल की बॉलिंग कर रही है, हर बॉल पे कैच है, बट अच्छा हुआ 3 रन कंप्लीट किए हैं शेष अय्यर ने। और ये फिर से कैच राहुल का उछलाया, और ये फिर से कैच आउट, इस बार हांगकांग टीम के कप्तान ने कैच लिया है, जो उम्मीद नहीं थी वो हो रहा है गाइस। 4 विकेट गिर चुके हैं, कुल 55 रन बने हैं, लास्ट ओवर की, सॉरी चौथे ओवर की लास्ट बॉल है ये। और ये सोच में एक सेट रन, चलिए कोई बात नहीं, सेट रन बहुत होते हैं, ये तो कमाल का ही सोचता श्रेयस अय्यर को थोड़ा पहले ही ग्राउंड में उतारना पड़ेगा। ओवर की लास्ट बॉल पे 4, मतलब 4 ओवर और 4 विकेट, क्या इसमें भी विकेट गिर सकती है। ये मोहम्मद आए हैं फास्ट है। और हार्दिक पांड्या हैं स्ट्राइक पे गाइस। अरे नहीं, ये भी कैच आउट, इस बार क्या करके छोड़ेगी हांगकांग टीम। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में अच्छा करके गए थे, सॉरी बांग्लादेश के खिलाफ, और इसमें कमाल कर दिया है सूर्य, और हार्दिक को 0 रन पे ही चलता किया है हांगकांग टीम ने। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं गाइस, अभी इनसे ही उम्मीद है कि और एक दो बाउंड्री लेके आए और रन रेट अपना बढ़ाएं, मेंटेन करें, क्योंकि इंडिया टीम का रन रेट ऑलरेडी पिछले मैच में बहुत डाउन हो गया है। 5 विकेट इंडिया टीम की गिर चुकी हैं, और ये भी कैच आउट हो सकता है, ये भी कैच आउट, 6 विकेट चटका चुके हैं हांगकांग टीम। और ये क्या हो रहा है गाइज, कमाल हो गया। अश्विन आए हैं बैटिंग पे, 2 बॉल बची हैं और 4 रन आए हैं, 2 विकेट लेके गए हैं ये मोहम्मद। ये अश्विन के बल्ले से निकला है शॉट, करारा शॉट है, और एक ऑफ में भेज दिया है बॉल को बाउंड्री के बाहर, ये शॉट तो कमाल का था गाइस। और 71 रन बने 6 विकेट के नुकसान पे, लास्ट बॉल है, सारे प्लेयर उधर ही भेज दिए हैं, और ये भी कैच आउट,
ये भी कैच आउट, 7 विकेट गिरी है इंडिया टीम की, कमाल हो गया। 3 विकेटे मोहम्मद लेके गए हैं गाइस। चलिए कोई बात नहीं, शामी को इस कंडीशन में पहला ओवर देते हैं हम, और एन खान फिर से बैटिंग के लिए आए हैं और हमको फिर से इन स्विंग ही डालना है। क्या 30 बॉल पे 72 रन बना पाएगी हांगकांग टीम? चलिए सिंगल आया है, बेहतरीन। चलिए फील्डर है यहाँ पे भी, एक बॉल डॉट, बहुत कीमती बॉल डालनी होंगी क्योंकि जिस हिसाब से विकेट ले आए ना हांगकांग टीम ने, उस हिसाब से रन भी बना सकती है। और पीछे है तो यहाँ पे रन अच्छे मिलेंगे हांगकांग टीम को, 4 रन तो ले ही लेगी कम से भी, कम नहीं 3 ही लिए हैं। फिर से एन खान को वही बॉल डालते हैं जो भुवनेश्वर कुमार ने डाली थी, और यहाँ पे फील्डर, अरे रन आउट, अरे नहीं भाई तो था रन आउट का, बट कोई बात नहीं। और ये सिंपल बॉल डालते हैं हम, ये भी हाथों में, ये भी हाथों में है गाइस बॉल, और फिर से मैं वही बॉल डाल रहा हूँ, और यहाँ पे फिर से ही 2 रन की मांग ने एक ही लिया है। चलिए कोई बात नहीं, 6 रन आए इस ओवर से, विकेट लैस गए हैं मोहम्मद शामी इस बार, और सुंदर को भेजता हूँ मैं, थोड़ा फील्डिंग में मैं चेंज कर रहा हूँ इस बार, ये वाला ठीक है। अरे यार कितना, मतलब कितना बचे हैं प्लेयर इस बॉल से, और अगर बॉल थोड़ा अंदर होता ना तो विकेट पे हिट होता बॉल पक्का। अरे यार कितना, मतलब कितना, ये सुंदर को फिर से एक विकेट मिलता। चलिए कोई बात नहीं गाइस, इस बार कोशिश करते हैं LBW हो या हिट हो या कैच हो, कुछ भी हो, ये तो फोर जाएगा। तो फोर जाएगा, कोई बात नहीं, फील्ड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इस बार। 11 रन हो चुके हैं और विकेट एक भी गिरा नहीं है, ये वाला ठीक है। पांच रन आ चुके हैं 3 बॉल पे, और ये क्या, ये भी बॉल दी इस बार सुंदर, अति सुंदर बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं गाइस, हर मैच में इन्होंने अपना कमाल दिखाया है। 16 का रन रेट चाहिए हांगकांग टीम को, क्या बना पाएगी हांगकांग टीम? और इंडिया क्या बॉलिंग डालते हैं बट इस बार, अरे फिर से वही 4 रन, वही शॉट और वही लाइन, 21 रन हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस बार बॉलिंग में चेंज करते हैं, बॉल वहीं डालूंगा, और ये LBW अपील हो रहा है आउट, अरे आउट क्यों नहीं दिया, नहीं रिव्यू लूंगा मैं, DRS इसलिए दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता ना क्योंकि बहुत कीमती विकेट है, अगर हमको ये विकेट मिला ना, 2 बॉल देखना होगा पहले, नहीं है चलिए, और बॉल बिल्कुल सही जगह पे गिरा है, नॉट आउट ओरिजिनल डिसीजन है, और अरे आउटसाइड लैग है, आउटसाइड है, विकेट तो हिट हो रहा है,
अरे नहीं, बस आउट साइड लैग दिया है, इस वजह से विकेट नहीं मिला है, नहीं तो भी विकेट तो हिट था। चलिए फिर से कोशिश करता हूँ, इस बार सब सेट है, बट इस बार विकेट नहीं मिलेगा। चलिए 17 रन देके गए हैं सुंदर, इस बार अच्छी पिटाई हो गई है सुंदर की। भुवनेश्वर कुमार को भेजते हैं बॉलिंग के लिए, पावर प्ले हो गया है खत्म और हमको फील्डिंग लगानी है। ये और हम इस बॉल को यहाँ डालेंगे तो क्या हो सकता है, ये होम रन का चांस था। गाइज इस बॉल को हमको थोड़ा और पैरों में डालने की कोशिश कर रहे हैं और इन स्विंग करते हैं। अगर यू मुर्तजा है स्ट्राइक पे सामने की तरफ खेलेंगे तो विकेट हो सकता है। यहाँ पे सिंगल दिया है, 17 बॉलों पे 48 रन से हैं हांगकांग को, और बिल्कुल सिंपल बॉल डालते हैं सामने की तरफ, अगर खेलते भी हैं तो विकेट जरूर होगा। नहीं, सिंगल है, चलिए कोई बात नहीं, सिंगल लिया है एन खान ने, अभी तक कोई विकेट मिला नहीं है इंडिया टीम को। थर्ड ओवर चल रहा है गाइस, 15 बॉल पे 40 रन चाहिए और ये फिर से सिंगल, 14 बॉल पे 45 रन चाहिए। इस बार थोड़ा अलग बॉल डालते हैं, इन स्विंग ही डालेंगे बट स्पीड भी थोड़ा कम डालेंगे और बॉल को थोड़ा आगे रखा है और ये बैक साइड में खेला है सबको। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे एन खान को, पिछले मैच में 0 पे विकेट चटकाई थी भुवनेश्वर कुमार ने और इस बार तो भुवनेश्वर कुमार ही हैं। बॉल पे हमको विकेट चाहिए, नहीं चाहिए कैसे भी हमें विकेट इस बॉल पे मिलनी चाहिए बट नहीं। 2 रन यहाँ पे आए, 10 रन आए भुवनेश्वर कुमार के ओवर से, और अभी 12 बॉल पे कितने रन चाहिए, आई थिंक 43 के समथिंग या 42 के समथिंग चाहिएगा। अश्विन आए हैं बॉलिंग लेके और टॉप स्पिन कराते हैं अश्विन से, 33 रन बना लिए हैं हांगकांग ने बिना विकेट गवाए। यहाँ पे सिंगल खेला है मुर्तजा ने, फिर से वही बॉल और देखते हैं अश्विन को क्या सफलता मिल पाएगी या नहीं, और फिर से वही शॉट सिंगल, विकेट गिरानी होगी हमको गाइस, अगर विकेट नहीं हुआ तो फिर मैच तो जब भी विन नहीं कर पाएगी हांगकांग, बट फिर भी विकेट चाहिए हमको। और ये रन आउट तो लगा दो ना भाई, ये देखिए अभी भी कह नहीं सकते हांगकांग टीम का कि मैच बिना आराम से कर सकती है हांगकांग, अगर एक दो बाउंड्री और ये ले ले तो। अरे इंडिया टीम इस बार बहुत मिस्टेक कर रही है इस मैच में जो उनको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अश्विन की 5वीं बॉल है और 4 रन दे चुके हैं अश्विन, सामने कोई नहीं है, रन मिलेंगे हांगकांग टीम को, 2 रन तो ले ही लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, 2 रन तो इजीली ले लिए हैं और फिर से मैं वही बॉल डालूंगा गाइस, अगर लास्ट बॉल है 6 रन दे चुके हैं अभी तक और ये बाल बाल बचे बैट्समैन। अब लास्ट 6 बॉल पे कितने हांगकांग को रन चाहिए, 40 के समथिंग होंगे और दीपक चहर को मैं बॉलिंग के लिए उतारता हूँ।
और इस बॉल को मैंने विकेट पे डाला है और ये सिंगल की कोशिश कर रहे हैं ये। चलिए गाइस, सिंगल क्या डबल ले लिया है, कोशिश करते हैं कि विकेट मिले। 41 रन है, 30 रन चाहिए अभी। चलिए मैच तो इंडिया ही विन करेगी इसको, इस बार इंडिया ही मैच को विन करेगी गाइस। और ये फिर विकेट पे मैं बॉल डाल रहा हूँ, 4 बॉल पे 31 रन चाहिए। और ये एली खान ने 35 रन की पारी खेली है, लाजवाब पारी खेली है, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं एली खान। 1 चहर भी विकेट लेस जाएंगे इस ग्राउंड पे, यहाँ पे तो रन 2 ले ही लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। और अरे फिर से वही, देखिए क्या लक है, बस रन बन गए हैं किसी तरह इंडिया टीम के, वरना इस मैच को तो पक्का लॉस हो ही जाता। 50 की पार्टनरशिप कर ली है दोनों बल्लेबाजों ने और एक भी विकेट नहीं गिरा अभी तक। और फील्डिंग देखिए कितना मिस्टेक हो रहा है फील्डिंग में अभी तो। चलिए 1 बॉल पे 22 रन चाहिए हांगकांग टीम को, इंडिया टीम को हराने के लिए। और ये लास्ट बॉल है पारी की, 11 रन दे चुके हैं अभी तक, यहाँ पे भी रन, कौन आ रहे हैं यहाँ पे बॉल पकड़ने। चलिए इस मैच को विन करते हुए इंडिया टीम 19 रन से, ये भी कमाल किया है, बट बहुत मिस्टेक किया था इंडिया टीम ने, एक भी विकेट नहीं गिरा है। केएल राहुल है मैन ऑफ द मैच और इंडिया ने फाइनल को विन कर लिया है गाइस, इंडिया ने फाइनल मैच को विन कर लिया है और इंडिया एशिया कप का बना है चैम्पियन। और ये कमाल कर दिया इंडिया टीम ने, ये लाजवाब की विनिंग की है, ये कमाल का फाइनल वॉन किया है इंडिया ने। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे RCPL 2020 यानी कि 2022 वाला, जिसमें ओरिजिनल है सब कुछ जो भी है, और उसको ही खेलेंगे और 10 ओवर का उसको हम स्टार्ट करेंगे और 10 ओवर का हम खेलेंगे। तो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें गाइस, थैंक यू गाइस। तो गाइस मिला है इंडिया को ट्रॉफी, ये एशिया कप इंडिया विन किया है इस मैच को, कमाल कर दिया इंडिया इंडिया टीम ने। और चलिए मैच 6 मैच खेली इंडिया और 6 के 6 मैच इंडिया ने जीते हैं, और ये कमाल की बैटिंग बॉलिंग सब किया था इंडिया टीम ने, और देखते हैं कि क्या। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।